बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.2 और उसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा। इसमें तीन पॉइंट दिए हुए हैं, ओ ए और बी, और कहता है आपने ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स हैं या नहीं है। यानी ये बेटा आपके पास जो है वो मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस के ये जो तीनों पॉइंट्स हैं या नहीं है, ये मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस बनाते हैं या नहीं। उर्दू में इसको मुतसाविउल इज़ला उसने पूछा हुआ है और इंग्लिश में उसने पूछा हुआ बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमने करना क्या है, ओ ए ए बी और बी ओ, इन तीनों का डिस्टेंस निकाल लेना। अगर तीनों का बराबर आ जाएगा तो बेटा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, और अगर इक्वल नहीं आएगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगी। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो है मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस के अंदर तीनों जो है वो बेटा आपके जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब हम करते क्या हैं, पहले ओ ए का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो बेटा डिस्टेंस का सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, x2 - x1। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला ये पड़ा है, y2 - y1 ऊपर स्केयर, ये बेटा डिस्टेंस का फार्मूला है। अब पहले हम किस पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, पहले हम ओ ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये x1 y1 है और ये ए वाली जो वैल्यू है ये x2 y2 है। तो x2 कितना है फिर, स्केयर रूट 3 माइनस x1 कितना है बेटा, वो है 0 ऊपर स्केयर। फिर प्लस y2 कितना है, वो है 1 माइनस y1 बेटा 0 है ऊपर, क्या आ गया स्केयर। अब नेक्स्ट इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, स्केयर रूट 3 माइनस 0 करेंगे तो स्केयर रूट 3 ऊपर ये वाला स्केयर, प्लस 1 माइनस 0 1 ऊपर ये स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 1 का जो मर्जी स्केयर ले लें बेटा, आपके पास 1 नहीं आना है, स्केयर ले लें, क्यूब ले लें, पावर 3 4 5 6 जितनी मर्जी, 1 नहीं आना होता है, 1 की जितनी भी पावर लें बेटा 1 आता है। तो अब ये 3 + 1 कितना हो जाएगा स्केयर रूट के अंदर 4, और इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, स्केयर 4 का स्केयर रूट लें तो वो 2 होता है। ये ओ ए का डिस्टेंस हमारे पास बेटा फाइंड हो गया है, कितना आंसर आ गया बेटा, ओ ए के डिस्टेंस का 2 आ गया है। अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो है वो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस वही फार्मूला, फिर अगेन आपके पास x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। अब बेटा इसकी वैल्यू को भी हम पुट करेंगे, x2 की वैल्यू। अब इसमें ए बी जो पॉइंट्स हैं दोनों, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो इसमें x2 कितना है बेटा आपके पास, स्केयर रूट 3 माइनस x1 कितना है बेटा, वो भी स्केयर रूट 3 है ऊपर स्केयर आ गया, प्लस y2 कितना है बेटा, -1, और y1 कितना है, 1 ऊपर स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट बेटा ये स्केयर रूट 3 से कट गया, 0 0 के ऊपर स्केयर, और ये प्लस -1 - 1 माइनस के 2 हो गए, और ऊपर क्या आ गया बेटा, स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, 0 का स्केयर 0 प्लस -2 का स्केयर लेंगे तो बेटा प्लस 4 आएगा, माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाता है, 0 + 4 बेटा 4, और 4 का स्केयर रूट लें तो वो 2 आ जाएगा। ये ए बी का डिस्टेंस भी फाइंड हो गया बेटा आपके पास। पहले हमने ओ से ए तक का, फिर ए से बी तक का, बी से ओ तक का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। उसको ओ बी लिख लें या बी ओ लिख लें, जो मर्जी लिख लें बेटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें भी डिस्टेंस का सेम फार्मूला है, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। अब बेटा इसमें भी आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, लेकिन इसमें पॉइंट है एक ओ और एक बी, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला। ये अगर x1 y1 है तो ये x2 y2 होगा, फिर इसमें x2 कितना है, स्केयर रूट 3 माइनस x1 कितना है बेटा, वो 0 है, उसके बाद ऊपर स्केयर आ गया। फिर प्लस y2 इसमें कितना है, -1, और y1 कितना है, वो 0 है, तो ये बेटा -1 - 0 ऊपर स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, इसमें स्केयर रूट 3 में से 0 माइनस करोगे, स्केयर रूट 3 ऊपर स्केयर बच जाएगा, प्लस -1 में 0 माइनस करोगे तो -1 ऊपर स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा देखें, ये स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस
माइनस वन का स्क्वेयर लेंगे तो माइनस स्क्वेयर की वजह से प्लस हो जाता है, और वन की जितनी मर्जी पावर आ जाए बेटा वो वन ही आना होता है। तो ये भी स्क्वेयर रूट फोर हो गया, और इसको बेटा जब आपने स्क्वेयर रूट लिया तो कितना आ गया टू। तो ये बेटा ओ बी का डिस्टेंस भी आ गया है। ये बेटा आपके पास तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आ गया है, ए बी बी सी और सॉरी ए बी पहले ओ ए फिर ए बी और फिर बी ओ जो है, तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आ गया है। अब बेटा अगर तीनों का आंसर सेम आया है तो हम क्या लिख देंगे कि ये इसका आंसर आप लिखेंगे यस द पॉइंट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल जो बेटा आपकी ट्राइंगल है उसके जो है वो पॉइंट्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट है, ठीक हो गया बेटा। और अगर बेटा ये तीनों में से कोई एक भी ना आता तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं थी होनी, यानी ये बेटा किसके मुतसाविउल इजला मसलस के जो है ये तीनों निकात हैं। क्लियर हो गया बेटा। अगर इसमें कोई मसला हो आपका क्वेश्चन नंबर 7 9.2 एक्सरसाइज का जो हमने सॉल्व किया है, इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो नीचे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।